नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट हरीश बाली। आप जानते हैं हम तमिलनाडु में सफ़र कर रहे हैं। सुबह के 5:20 का समय है। हम लोग तिरुचिरापल्ली में हैं। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल विज़िट करने के लिए हम आए हुए हैं। साउथ गेट के सामने अभी मैं खड़ा हूँ। सामने आप राजगोपुरम के जो दर्शन कर रहे हैं ना, ये सबसे टॉलेस्ट गोपुरम है ऐसा कहते हैं। हमारे देश में नहीं, दुनिया में जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें सबसे जो बड़ा टेम्पल है वो यही है। आज सुबह हम सबसे पहले अंदर चलकर आरती में दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे आपको टेम्पल के बारे में बताएंगे। हम लोग लगभग 200 मीटर पैदल चलकर अंदर की तरफ आए हैं। अब यहाँ से टेंपल के अंदर जाने की मेन एंट्रेंस है, तो ऑलमोस्ट 3 गोपुरम हमने बाहर विजिट कर ली हैं। अब यहाँ आए हैं तो हमें एक गोपुरम और है जिसके दर्शन हो रहे हैं। अभी सुबह सुबह का अंधेरे का समय है, तो लाइटिंग देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है और गोपुरम कितना अच्छा लग रहा है ना, सो ब्यूटीफुल। सामने शू स्टैंड है, क्लोक रूम भी है। अब यहाँ से हम अंदर चल रहे हैं। सामने लाइन देख रहे हैं आप, वे टू दर्शन लिखा हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले हम भगवान विष्णु के श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में दर्शन करके गर्भगृह के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर आए थे हम सुबह 5:30, अभी 8 बज चुके हैं। अभी वैकुंठ एकादशी का समय चल रहा है, तो इसकी वजह से फेस्टिवल टाइम है। इतना ज़्यादा मॉर्निंग के समय क्राउड था, वैसे इसके मुकाबले में 50% होता है, तो आज हमें दर्शन करने में लगभग 2.5 घंटे का समय लगा। अभी 8 बज चुके हैं। तो टेम्पल के अंदर मैंने नोटिस किया, मैं गर्भगृह की बात कर रहा हूँ, भगवान विष्णु शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं। और ये जिस स्थान पे हमने आके यहाँ पे दर्शन करे, ये 2000 साल पुराना मंदिर है। 2000 साल किसको बोलते हैं। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मुझे बताया गया था सुबह 5:30 और 6 के बीच में जो आरती होती है, उस आरती के समय आप हम नोटिस करेंगे गाय, हाथी और घोड़ा सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं, उसके बाद हम जैसे साधारण लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ये जितना मेरे को मालूम था मैंने आपको बता दिया। मैंने अंदर और क्या क्या नोटिस किया, एनिमल फिगर्स नोटिस करी, माइथोलॉजिकल एनिमल। हमने याली के बारे में बृहदेश्वरा टेम्पल जाके जाना था, यहाँ पे कुछ एनिमल फिगर्स हैं जो ग्रेनाइट में कार्व की गई हैं, फ्लावर फिगर्स हैं, ओल्ड पिलर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ऐसा बोल नहीं सकते कि 1000 ईयर ओल्ड है या 500 ईयर ओल्ड, लेकिन क्योंकि हर डायनेस्टी में राजा आता गया, टेम्पल के निर्माण में काम करते गए। ओल्डेस्ट जो स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया गया था वो 2000 ईयर पहले किया गया था। हमने यहाँ पर आके लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड विजिट किया है। आइए अब बाहर की तरफ चलते हैं। मंदिर में दर्शन जाते समय जब हम लाइन में लगे हुए थे ना, मैं तब से कंटिन्यूसली नोटिस 2-3 चीज़ें कर रहा था, जिसमें पहली बात ये थी कि यहाँ पर ग्रेनाइट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि ये ग्रेनाइट पुडुकोटई से लाए हैं, ऐसा मुझको लगता है, क्योंकि मैंने थंजावुर में यही देखा था। तो 2000 साल पहले जैसे थंजावुर में ग्रेनाइट लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया गया, कितने लोग लगे टेंपल बनाने में, उसी हिसाब से यहाँ पे भी किया होगा। तो कितनी बड़ी बात है अपने आप में इतने बड़े बड़े ग्रेनाइट स्टोन को लेके आना। मैंने यहाँ पर बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस देखी, तमिल लैंग्वेज में सारी इंस्क्रिप्शंस हैं, और तो आज की डेट में पुरानी इंस्क्रिप्शंस को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और मैं थोड़ा सा टेंपल के अंदर ही हूँ लेकिन बाहर की तरफ आ गया हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए इंस्क्रिप्शंस हैं। हर चट्टान के ऊपर इंस्क्रिप्शंस हैं जिन पे जनरली ये लिखा गया है कि टेंपल को बनाने में कितने लोग लगे, वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन से एनिमल्स इस्तेमाल में आए ग्रेनाइट को लाने के लिए, कहाँ से ग्रेनाइट लाए, एवरीथिंग अबाउट द टेंपल एंड द डायनेस्टी और राजा जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया, जिन जिन राजाओं ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया, सब अपने जो कंट्रीब्यूशंस थे वो इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म पे लिखते गए। बड़ी बात है ना।
गर्भगृह के ऊपर आपको गोल्ड प्लेटिंग दिखाई देगी। सुबह 6 बजे टेम्पल ओपन होता है, 6 से 12 तक आप दर्शन कर सकते हैं, 12 से 1 का ब्रेक रहता है, 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक टेम्पल ओपन होता है, फिर 1 घंटे का ब्रेक रहता है, उसके बाद 8:30 बजे टेम्पल फाइनली क्लोज हो जाता है। तो ये टेम्पल टाइमिंग्स हो गए। हाँ, सर्दी गर्मी के हिसाब से आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना कि अगर टेम्पल टाइमिंग्स थोड़े बहुत बदलते हों तो। यहाँ पर देखिए, इस मूर्ति के जरिए कार्व करके बताया है कि विभीषण लंका से विमाना लेके आए थे, विमाना कहते हैं, ये ऊपर से गोल्ड प्लेटेड है। तो अब ये जो कार्विंग है, ये मूर्ति है, कितनी पुरानी है कह पाना मुश्किल है, बट हो सकता है 1000 साल, हो सकता है 1500 साल। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ, सामने हमें कृष्ण भगवान का बहुत खूबसूरत मूर्ति दिखाई दे रही है, बांसुरी बजा रहे हैं, पीछे गायें खड़ी है, अति सुंदर। हर पिलर पे आपको इस प्रकार की मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। रह रह के मेरे माइंड में एक ही बात आ रही है कि 2000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसा रिसर्चर्स कहते हैं। और जबकि मैं लोकल लोगों से बात कर रहा हूं तो कहते हैं कि ये कहना गलत होगा कि 2000 साल पहले, ये उससे भी पुराना है। जब हम साउथ इंडिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं हर टेंपल के बाहर ना चारों दिशाओं में एक एक गोपुरम होता है, एंट्री गेट कह सकते हैं, और ये ऊंचे ऊंचे बनाए जाते थे जिससे कि दूर से कोई भी देख के आइडेंटिफाई कर सके कि यहाँ पे टेंपल है। इस जगह जहाँ पर अभी हम हैं, 21 गोपुरम है। मैंने आज तक कभी सुना भी नहीं था कि किसी टेंपल में 21 गोपुरम हो सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी और मंदिर होगा जिसमें 21 गोपुरम होंगे। राजगोपुरम हमने आपको बाहर कुछ समय पहले दिखाया, अब यहीं पर बेसिकली राजगोपुरम तो यहाँ से होगा मुश्किल से 300 मीटर, फिर 2 गोपुरम और हैं, इस तरफ को गोपुरम है, यहाँ 5-6 गोपुरम है, इस तरफ को 3 है। और एक चीज़ और डिफरेंट है, यहाँ पर एक गोपुरम पूरा का पूरा वाइट कलर का है, वहाँ पर वाइट के सिवा कोई भी रंग नहीं है। कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर आने के लिए आप 50 रुपीज़ दे के ऊपर आ सकते हो पर पर्सन, अगर आपको फ़ोटो लेना है वीडियो बनाना है तो उसका 100 रुपीज़ लेते हैं। तो बेसिकली आने का 50 रुपीज़ चार्ज है, फ़ोटो या वीडियो का चार्ज इस जगह पर अलग है। बहुत खूब। चलिए जब एक काम करते हैं, 9:30 बज चुके हैं, चल कर ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ पर आना हम लोग के लिए काफ़ी अच्छा रहा। मैंने कुछ लोगों से पता लगाने की कोशिश करी है कि अगर भीड़ कम चाहिए तो कौन सा समय होता है, तो ऑब्वियसली सैटरडे संडे तो नहीं वो समय होता है, लेकिन आप अगर मंडे से फ्राइडे में आते हैं और वो भी दोपहर के समय आ जाते हैं 3 बजे 2:30 बजे के आसपास, तो आपको काफ़ी कम भीड़ मिलेगी। ग्रेट है, आइए जी चलते हैं। टेम्पल के साउथ गेट से हमने लगभग 1.5 किलोमीटर का सफ़र किया है। ब्रेकफास्ट करने के लिए हम पार्थ सारथी विलास होटल आए हैं, और अभी जिस स्ट्रीट पे हम खड़े हैं इसका नाम है वेस्ट विभूति प्रहारम। आप ये स्ट्रीट देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। ये 70 साल पुराना होटल है, हम यहाँ चलकर नाश्ता करने वाले हैं। मेरा यहाँ पर आने का जो प्राइमरी पर्पस है वो है, मैं रवा पोंगल खाना चाहता हूँ, और ये होटल में जो रवा पोंगल मिलता है वो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक मिलता है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर है ना, एंथनी भाई, उनको मैंने बोला कि आप ना जाके होटल में 6 प्लेट रवा पोंगल का पैसा 5:30 को दे दो, जिससे कि हम थोड़ा लेट भी आएंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ऐसा करके हमको रवा पोंगल यहाँ पर भी 9:45 बजे मिलने वाला है। आइए जी, इस होटल में मैंने जैसे आपको बताया 5 बजे से 6 बजे तक रवा पोंगल मिलता है, 6 से 7:30 तक इडली मिलता है, 6 to 7 आई थिंक इडली, और उसके बाद डोसा मिलता है 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। तो 8:30 से फिर मिलेगा पूरी भाजी, तो वो 11 बजे तक मिलेगा, 11 से 3 तक होटल बंद हो जाता है, फिर 3 बजे दोबारा खुलता है और रात के 9 बजे तक चलता है। तो इन्होंने आवरली बेसिस पे अपने मेन्यू को चेंज किया हुआ है। रवा पोंगल लवली। वैसे कहीं पर भी आप पोंगल खाओगे ना तो आपको काली मिर्च सबसे पहले दिखाई देगी, और करी पत्ता भी रहता है, बट काली मिर्च तो बिग टाइम, मतलब ऐसा पोंगल नहीं बनेगा जिसमें काली मिर्च ना हो। और ये रवा पोंगल तैयार करने में 2 मेन इसमें इंग्रेडिएंट है, रवा और मूंग दाल। मूंग दाल कम रहती है, रवा ज़्यादा रहता है। अच्छा बनाया है। देखो मैं पहली बाइट में समझ गया, जो मैंने थंजावुर में खाया था वो भी सही है, ये भी सही है,
दोनों अच्छे, दोनों अच्छे। ये है कि अब इन्होंने 6 बजे का बनाया हुआ है, 6 या 5 बजे का बनाया होगा, हम खा रहे हैं 10 बजे, तो थोड़ी एक बात होती है ना कि अगर ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म खाओ तो थोड़ा एक टेस्ट लेवल अप हो जाता है। फिर भी सही है, ओवरऑल नाइस। अभी मैं ना इनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे घी रवा डोसा मिल जाए ना तो वो भी सही रहेगा, तो मैं इसके बाद वो खा लूँगा, क्योंकि घी रवा डोसा भी यहाँ का फेमस है। वन घी रवा अवेलेबल? नो, या मेरे को पता लग गया यहाँ पे है ना, अभी घी रवा डोसा अवेलेबल नहीं है, फिनिश हो गया है, तो फिल्टर कॉफ़ी मैंने मंगवा ली है, कॉफ़ी पी लेंगे। कॉफ़ी का टेक्सचर आप देख लो, वैसे खुशबू मेरे को 1 फीट से महसूस हो रही है। एक्चुअली मैंने लेस बोला तो शायद उनको लगा शुगर डालना नहीं है, तो शुगर डलवा लेते हैं, कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर ना एक और कॉफ़ी का बड़ा फेमस जॉइंट है, ड्यूरिंग द डे मैं जाऊँगा वहाँ पर भी, उधर की भी कॉफ़ी टेस्ट करेंगे। आओ जी, थैंक यू। हाँ, अब चीनी डालने से थोड़ा ठीक हो गया। 10 से 15 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, टीम भी ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर रही है, तो हम लोग फिर आगे घूमेंगे, दोपहर तक का समय है हमारे पास, फिर सेकेंड हाफ ऑफ द डे हमको मदुरई के लिए निकलना है। लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग रॉक फोर्ट विजिट करने के लिए आए, तो यहाँ पर मैं आया हूँ, बेसिकली सामने एंट्री गेट है, तो मैं अंदर गया तो स्टेयर्स देखकर मैंने पूछा इनसे कि कितना स्टेयर्स है, तो मालूम चला 400 स्टेयर्स है, चढ़कर आप फोर्ट के ऊपर तक पहुँचते हो, मतलब एक रॉक के ऊपर तक पहुँचते हो, वहाँ पे फोर्ट है और गणेश भगवान का मंदिर है और एक भगवान शिव का मंदिर भी है। आज से 2 साल पहले मेरी ना मेनिस्कस टीयर की सर्जरी हुई थी, तब से मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि आप स्टेयर क्लाइंबिंग अवॉइड करो, मतलब 20-40 स्टेयर तक ठीक है लेकिन ज़्यादा नहीं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं होटल, चल के चेकआउट करते हैं, लगेज पैक करते हैं, और वैसे भी 12:45 बज गए, हमको यहाँ से निकलना ही है। उसके बाद हम किसी ऐसे पॉइंट पे जाएंगे जहाँ से हम ये जो रॉक है ना जिसकी बात हो रही है, रॉक के ऊपर फोर्ट है और टेंपल है, उसको डिस्टेंस से देख लेंगे, दिस इज़ अ बेटर आइडिया। बाकी अगर मेरे को ये दिक्कत नहीं होती तो मैं ज़रूर ऊपर जाता। चलिए जी, गाड़ी हमारी बाहर खड़ी है, गाड़ी तक चलते हैं फिर और होटल पहुँचते हैं। मैं एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़े होके आपको रॉक फोर्ट दिखा रहा हूँ, आप सामने देखिए ये बहुत बड़ी जो चट्टान है ना उसके ऊपर 2 टेंपल्स हैं और एक फोर्ट है। ऐसा कहते हैं जो मंदिर है ना इनका निर्माण पलवा डायनेस्टी के समय हुआ है, तो हम साउथ इंडिया के पलवा रूलर्स की जो बात कर रहे हैं, ये इनका रूल रहा है अर्ली 4th सेंचुरी से लेट 9th सेंचुरी तक, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि 1200 से 1500 साल पुरानी बात हो रही है जब उन्होंने यहाँ पर टेंपल का निर्माण किया। उसके बाद इसी जगह मदुरई के नायक्स आए, नायक्स का बेस मदुरई था, वो लोग यहाँ पर हैं, उन्होंने फोर्ट बनाया, इस फोर्ट के ऊपर से मतलब इस पहाड़ी के ऊपर से वो लोग नज़र रखते थे, साथ साथ बीजापुर का जो सुल्तान था आदिल शाह उनसे नायक का लड़ाई होता था। तो मदुरई के नायक्स की हमने बात करी, पलवास की बात करी, पलवास ने एक्चुअली में बाद में जाके अपनी जो कैपिटल बनाई ना वो बनाई कांचीपुरम में। चलो सही है, आप जब आएंगे तो आप वहाँ रॉक फोर्ट ऊपर जा सकेंगे तो ज़रूर जाइएगा, राइट। और जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ वहाँ पर ठीक सामने कावेरी नदी है, ये कर्नाटका से फ्लो होती है, तमिलनाडु में आती है और बाद में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब हमारी जो गाड़ी खड़ी है ना वो नीचे खड़ी हुई है, तो मैं वॉक करके थोड़ा नीचे तक जाता हूँ ब्रिज के, फिर हम लोग गाड़ी में बैठकर लंच करने जाएंगे। और बाय द वे लंच करने से पहले मैं सोच रहा हूँ, एक बड़ी पुरानी ईटरी है साउथ गेट टेम्पल जो श्रीरंगम है ना उसके पास,
वहाँ जाके कुछ एक आध आइटम टेस्ट कर लूँ, क्योंकि मुझे किसी ने रेफरेंस दिया कि वहाँ आपको टेस्ट कुछ ज़्यादा पसंद आएगा, ट्रेडिशनल वे ऑफ कुकिंग है वहाँ पर। चलिए चलते हैं। मैं इस समय श्रीरंगम टेंपल के साउथ गेट से थोड़ा अंदर की तरफ आ चुका हूँ। मेरे राइट हैंड साइड में भी गोपुरम है, इधर भी गोपुरम है। ये मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाया था, थोड़ा अंधेरा था, अब उजाला फुल है, दोपहर का समय है। सामने आप जो ईटरी देख रहे हैं, इसका नाम है श्री वेंकटेश भवन, 85 ईयर ओल्ड ईटरी। हल्का सा मैं कुछ लूँगा, हैवी नहीं खाएंगे, क्योंकि लंच हमें इसके बाद करना है। देखो जी, मैंने अपने लिए यहाँ पे एक पालक बड़ा लिया है, नॉर्मल बड़ा लिया, साथ में ये रवा पोंगल है। ये वैसे मैंने मॉर्निंग में भी खाया था, कल भी खाया था। ये बार बार मैं इसलिए टेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि रवा पोंगल तो आसानी से मिलता नहीं है। इतने दिनों में मैंने कहाँ खाया, ये तो थंजावुर जाके मुझको मालूम चला, तो अब मौका मिला है तो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते रहो। और जी पहले पालक बड़ा देखेंगे, ये छोटे साइज का बड़ा है। वाह जी वाह। देखो, बड़ा जैसी चीज़ जो जगह जगह मिलती है, आसानी से मिलती है, उसके अंदर भी इन्होंने क्या स्वाद डाल दिया। सिंपलिसिटी है, उसी का स्वाद है। कुछ भी इसमें मसाला नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और चटनी बेहद स्वाद है, हाईली सिंपल। सिर्फ थोड़ा सा ऊपर सरसों और नारियल, बेहतरीन। बड़े ने ना सांभर को सोक कर लिया है, और बड़ा अपने आप में इतना ज्यादा सॉफ्ट है, क्या बताएं, सो हैप्पी, मजा आ गया। वाह, अलग टेस्ट है। मैंने थंजावुर में जो रवा पोंगल खाया, आज मॉर्निंग में खाया, और ये खाया, तीनों के टेस्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। मस्त बना है, लाइट ऑन स्टमक और लवली। मालूम है इस इटरी में डिफरेंट क्या है, जो यहाँ सब लोग सर्व कर रहे हैं, ये सारे के सारे परिवार के मेंबर्स ही हैं, कोई आउटसाइड पर्सन नहीं है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तीन जनरेशन एक साथ मिलकर जो लोग आ रहे हैं उनको सर्व भी कर रहे हैं, और साथ साथ खाना बना भी रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि खाते समय एक होता ना कि फूड में भाव होता है, यहाँ के नाश्ते में भाव है, जिसकी वजह से हमको अति स्वादिष्ट लग रहा है। चलो जी बढ़िया, नज़दीक में एक कॉफ़ी शॉप है, कॉफ़ी पीते हैं फिर आगे चलेंगे। मुरली कॉफ़ी पे हम पहुंच गए हैं, और मैंने अपने लिए ना कॉफ़ी भी ले ली है। मैंने इन पूछा है आपके टाइमिंग्स क्या है, तो कह रहे हैं मॉर्निंग 4 AM कॉफ़ी रेडी, ऐसा कुछ बताया। और टेंपल के बाहर ही अभी हम खड़े हैं, साउथ गेट श्रीरंगम टेंपल का, और बाहर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। देखो जी कॉफ़ी का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है। इन्होंने टम्बलर में थोड़ा दूध डाल दिया कि अगर आपको दूध ज़्यादा चाहिए तो मिक्स अपने आप कर लो। मैं ना दूध फिनिश ऐसे ही कर लेता हूँ। अच्छी कॉफी है, ओवरऑल गुड टेस्ट। लंच करने के लिए हम लोग न्यू मधुरा होटल आए हैं। ये भी पुरानी ईटरी है। इस समय चैनल सब्सक्राइबर योगिता हमारे साथ हैं, तो मैं कुछ टाइम पहले योगिता और योगिता के फादर को मिला, तो इनके फादर को कुछ काम था, तो नाउ शी हैज जॉइंड अस फॉर लंच। व्हाट इज दिस प्लेस कॉल्ड एज? दिस प्लेस इज कॉल्ड एज टेपाकुलम सर। व्हाई इज दिस कॉल्ड टेपाकुलम इज बिकॉज देयर इज अ पॉन्ड राइट नेक्स्ट टू दिस प्लेस, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज टेपाकुलम। ओके, अच्छा, ओके, लेट्स गो इनसाइड। यस, यू हैड योर लंच? यस आई हैव। एक्चुअली इट्स 4 पीएम ना, वी गॉट लेट। यस,
लेमन राइस नींबू का चावल लवली ये बीट रूट है दिस इज चाउचो दिस इज पलंगा स्नेक गुड you will not even have little bit it's okay sir no I'm full actually I'm feeling very odd that I'm the only one who's eating payasam sweet meat payasam okay snake goat but naam kya hai podalanga podalanga kut podalanga kut 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 this is chau chau tamil name chau chau kut chau chau kut yes okay this is beetroot beetroot poriyal बीटरूट पुरियल ओके लेमन राइस तो देख लिया इसको भी कुछ बोलते हो एलुमिच्चे बड़े सादम बड़ा मुश्किल नाम है दोबारा से एलुमिच्चे बड़े सादम ओके नॉर्मल राइस पापड़ पापड़ को पापड़म अपड़म अपड़म वी यूज्ड टू कॉल अपड़म नॉट पापड़म नो वी यूज्ड टू कॉल अपड़म अपड़म नींबू राइस में नींबू राइस तो नाम से ही पता लगता है लेकिन साथ में इसमें दो किस्म की दाल है उड़द दाल और चना दाल थोड़ा सांबर डाल के अच्छा लगेगा लवली मैं ना अपने आप से लेमन राइस में सांबर मिक्स नहीं करता अभी आपने कहा ना तो आई मिक्स्ड इट तो ऑसम हो गया पहले अच्छा था अब तो ऑसम हो गया वेरी वेरी टेस्टी वाओ आउट ऑफ ऑल दिस दैट वी आर ईटिंग अदर देन सांबर एंड राइस What is it that you eat the most at your home? I mean, maximum number of times. Sometimes it will be kutta, sometimes it will be poriyal. Kutta means? Sambar. Kutta means any type of kutta, like chow chow, podlangai. Apart from these, they also make kutta with kottavarangai, different vegetable. Kutta means vegetable? No. Kutta means which like it is somewhat liquidy, right? So that is called as kutta. Any vegetable with gravy? Gravy. Not dry thing. Dry thing means we call it poriyal. Like this, like beetroot. Poriyal. Poriyal. Or kai. Simply kai means vegetable. We used to tell kai or poriyal. Last 5 days में मैंने maximum जो सांबर किसी भी rice के या किसी भी combination में खाया है मैंने देखा कि vegetable उसमें है ही नहीं कुछ केवल one onion छोटे वाला मतलब वन वेजिटेबल विच इज स्मॉल अनियन लेकिन यहाँ पर दे आर यूजिंग वेजिटेबल्स इन आवर केस व्हाट वी डू इज हम लोग बीट रूट को कंज्यूम करते हैं एज अ सैलेड इसमें ना सर एक चीज है आपके फूड में ना सिंपलिसिटी लेवल बहुत हाई है मतलब ऐसा लग नहीं रहा हमको कि हम किसी रेस्टोरेंट में फूड कर खाना खा रहे हैं ऐसा लग रहा है जब अपने घर में खा रहे हैं वेरी टेस्टी मोर कोडम्बू हाँ सर वो मैं टेस्ट करूँगा तो अच्छा राइस के लिए थोड़ा सा बस सर ये मोर कोडम्बू क्या है मोर कोडम्बू मोर कोडम्बू कर्ड से बनाते हो कर्ड को दही को थोड़ा लूज करना है मट्टा टाइप का लूज करके उसमें हल्दी नमक डालना है उसके बाद नारियल हरी मिर्च जीरा पूरा मिक्सी में पीस के डालना है उसके बाद जो भी सब्जी वो है आपको पसंद है जो सब्जी डाल सकते हैं डाल के वो पकने के बाद आपको सरसों जीरा करी पत्ता डालना है भून के तो सर ये जो प्रिपरेशन है आपके तमिलनाडु में फेमस है बहुत फेमस मतलब घर में बहुत फेमस हर घर में बनाते हैं अच्छा प्रति घर में बनाते हैं प्रति लोग पसंद करते हैं सिर्फ तमिलनाडु में ही होता है दूसरा स्टेट में नहीं होता है एक्चुअली ये हम लोग दिल्ली साइड में खाते हैं लेकिन उसका कुछ अलग है उसको हम लोग नहीं वो रेसिपी अलग होगी इंग्रेडिएंट्स में दूसरा टाइप का वो इंग्रेडिएंट्स भी अलग है ना उसके ओ मैन ज्यादा मिर्चा तो नहीं है सर मिर्च की बात नहीं कर रहा टेस्टी नेक्स्ट लेवल है उफ ये तो बहुत टेस्टी है गॉड इसी के लिए सब लोग यहाँ आते हैं खाने के लिए आपने मेरे को इतना लेट से क्यों दिया ये तो मैं पहले देना चाहिए था इतना टेस्टी अगर मैं ये मिस कर देता ना तो मेरे को बाद में पता लगता ऐसा टेस्ट होता है तो मेरे को लगता बताओ मैंने क्यों नहीं खाया दिस इज सो टेस्टी स
सर थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बस अब छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारा बिल बनवा दीजिए, फिर हम जाएंगे मदुरई। हाँ, टू मिनट्स में आए। लंच हमारा फिनिश हो गया, मदुरई जाने के लिए अब हम तैयार हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू सो मच। अच्छा रहा आपका, आपके साथ मिलकर बढ़िया लगा। इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू एज वेल। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। होपिंग दैट यू आर कमिंग बैक टू ट्रिची वेरी सून। डेफिनेटली डेफिनेटली, बिल्कुल जरूर आएंगे। और घर में मेरी तरफ से नमस्ते बोलना सबको। श्योर श्योर, ठीक है। सो योर होम इज नियर बाय? हां, नियर द टेंपल। नियर द टेंपल, चलो। थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू कम देयर यू विजिट आवर हाउस। डेफिनेटली। और यहां से मदुरई 135 किलोमीटर्स है। अभी मैंने गूगल में सर्च किया था, 2.5 hours लगेंगे। तो अभी 5 o'clock है, तो बाय 7:30 वी विल रीच मदुरई, राइट? तो आपको मैं कुछ देर बाद ज्वाइन करता हूँ। चलो, थैंक्स अगेन, बाय बाय। रात के 9:15 का टाइम है, हम लोग जस्ट अभी मदुरई पहुंचे हैं। डबल ऑक्यूपेंसी में ये रूम जो आप अभी देख रहे हैं, ये हमें टैरिफ कितना पड़ा है, 3354 रुपये टू बी प्रिसाइज, इंक्लूडिंग टैक्स एंड ब्रेकफास्ट। कल और परसों हम लोग मदुरई में ही हैं, यानी हमारे यहाँ 3 नाइट स्टे है, आज का, कल का और परसों का, फिर हम अपनी जर्नी एंड करेंगे। मदुरई में हमको, सुन रहा हूँ मैं कि अदर देन द टेम्पल विजिट, फूड एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत कुछ है। तो काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आपने कल्चर के बारे में कुछ समझना है तो मदुरई इज़ दी प्लेस, और फूड अगर एक्सप्लोर करना है तो मदुरई इज़ दी प्लेस। ऐसा बहुत कुछ मदुरई के बारे में सुनने को मिल रहा है। बाकी फिर जैसे हम शहर घूमेंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपको यहीं पे बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।